ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे महिला अत्याचार और खास तौर पर बलात्कार व गैंगरेप से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए हैं। इसको लेकर गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आड़े हाथ लिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने 2 मार्च से 9 मार्च तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हुए रेप और महिला अत्याचार की घटनाओं से संबंधित एक लिस्ट पोस्ट करते हुए पूछा कि राहुल प्रियंका अभी तक पीड़ित परिवारों से मिलने राजस्थान क्यों नहीं गए हैं। आपको बता दें 2 मार्च को अलवर के खेड़ली थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई महिला के साथ 3 दिन तक थाने में रेप की घटना के बाद राज्य में हंगामा मचा हुआ है। इसके अलावा 5 मार्च को हनुमानगढ़ में बेल पर रिहा हुए बलात्कार के आरोपी ने घर में घुसकर केरोसिन डालकर पीड़िता को जिंदा जला दिया। इस मामले में भी पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इसके अलावा कोटा में गैंगरेप, अजमेर में महिला के साथ रेप और 9 मार्च को टोंक में माँ बेटी को निवस्त्र कर पीटने का शर्मनाक मामला भी सामने आया है। इन सभी घटनाओं को प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई गैंगरेप की घटना से जोड़कर राहुल प्रियंका पर निशाना साधा है। याद दिला दे, उन्नाव की घटना के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की थी और योगी सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। गुरुवार को एक के बाद एक 2 ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा कि राजस्थान सरकार का मार्च कैलेंडर 2 मार्च अलवर में महिला से पुलिस स्टेशन में बलात्कार, 5 मार्च हनुमानगढ़ में बेल पर रिहा हुए बलात्कार के आरोपी ने पीड़िता को जिंदा जला डाला, 6 मार्च कोटा में गैंगरेप, 8 मार्च अजमेर में महिला दिवस के दिन बलात्कार की शर्मनाक घटना, 9 मार्च टोंक में माँ बेटी को निर्वस्त्र कर पीटा गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब तक राजस्थान क्यों नहीं गए? गौरतलब है कि अलवर के खेड़ली में शिकायत दर्ज करवाने आई महिला के साथ 3 दिन तक थाने में रेप के मामले में बीते दिन विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। वहीं इस मामले में अब तक कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है। मुख्य आरोपी सब इंस्पेक्टर भरत सिंह, SHO हनुमान सहाय और HM प्रकाश चंद्र को सस्पेंड किया गया है, जबकि भरत सिंह को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।